परी की कहानियां आपने किस्सों में बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी परी से मिलवाने जा रहे हैं जो इस दुनिया में 18 दिनों के लिए आई और इन 18 दिनों में किसी की दुनिया जिंदगी भर के लिए रोशन कर गई। खुदा ने इस दुनिया में कई नेमतें दी हैं, लेकिन जिनकी आंखों ने सिर्फ अंधेरा ही देखा उनके लिए इन नेमतों के कोई मायने नहीं है। ऐसे ही किसी एक शख्स के लिए फरिश्ता बना है झारखंड के गुमला जिले में रहने वाले अपराजिता का परिवार। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। ठीक अपने नाम की तरह अपराजिता अजय है। अपराजिता के जन्म से घर में खुशी थी क्योंकि परी आई थी। सच में वो परी ही थी। 18 दिन तक जीवित रही और फिर सबको छोड़कर चली गई, लेकिन जाते जाते किसी की जिंदगी को रोशन कर गई। मुझे 18 जुलाई को बेटी हुई। सब कुछ नॉर्मल था, देखने में बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन उसका फूड पाइप बाई बर्थ ही डेवलप नहीं था। ऑपरेट हुआ, सबने सब पूरी कोशिश की डॉक्टर ने, पर हम नहीं बचा पाए उसको। लेकिन जब वो नहीं रही हमारे पास, तो मेरी माँ की प्रेरणा से ये डिसीजन हमने लिया कि अगर वो तो नहीं रही, पर अगर उसकी आँखें हम किसी को डोनेट करें तो वो मर के भी अमर हो जाएगी। वो उसकी आंखें किसी और के शरीर से दुनिया देखेंगी और वो आज देख रही हैं। ये उसका दुख मैं भूल नहीं पाऊंगी, लेकिन ये जब सोचती हूँ कि उसकी आंखें आज भी है इस दुनिया में, देख रही हैं उसको, दुनिया देख रही है वो, तो वो एक संतुष्टि रहता है कि उसको किसी की दुनिया को रोशन कर रही है वो। भले वो चली गई है इस दुनिया से, पर किसी माँ की दुनिया को रोशन कर रही होगी, या जहाँ भी होगी उसकी सोल, वो खुद भी पीस फील करती होगी कि उसकी आंखें हैं इस दुनिया में। तौर पर ये बहुत, मैं उस बच्चे के माँ पिता को बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और उनकी बहुत दिल से प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने, क्योंकि जब बच्चा तो कलेजा का टुकड़ा होता है, और जब कलेजा का टुकड़ा यदि रुखसत हो रहा है और उस रुखसत के वक्त में उस बच्चे के अंत्योष्टि के वक्त में, उसकी मृत्यु के वक्त में परिवार कितना दुखी होगा, वो माँ कितनी तड़प रही होगी, परिवार के लोग कितने तड़प रहे होंगे, और उसके बाद भी उस बहन का कलेजा इतना मजबूत है कि उसने अपने 18 दिन की बच्ची का कॉर्निया जो है वो एक नेत्रहीन व्यक्ति को देने का निर्णय किया। मैं ऐसी बहन को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बहरहाल अपराजिता के परिजनों ने दुख की घड़ी में भी जो फैसला लिया वो एक मिसाल है। अपराजिता भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी आंखें हमेशा जिंदा रहेंगी और उसके जिंदा होने का हम सभी को एहसास करवाएंगी। नेत्रदान को महादान भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जीवन बचाने के लिए जितना जरूरी रक्तदान है, उतना ही जरूरी नेत्रदान भी। कश्यप आई हॉस्पिटल ने अपने नेत्रदान अभियान के तहत इस मिशन को आगे बढ़ाया। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने नेत्रदान के कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए नेत्रदान की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। आज संपूर्ण देश नोवल कोरोना वायरस की समस्या से ग्रसित है। हमारा देश भी इस महामारी की चुनौती का सामना कर रहा है। कोरोना की पहली अब रूपी लहर में कई लोगों को हमने खो दिया है। यह पीड़ा असहनीय है। मुझे ज्ञात है कि कोरोना की दूसरी लहर का हमारे प्रदेश को भी गंभीर एवं मानसिक चुनौती का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी वर्तमान के कोरोना संक्रमण के दौर में नेत्रदान की उपयोगिता पर जोर डाला। उन्होंने कश्यप आई हॉस्पिटल की भूमिका की भी सराहना की। वहीं डॉक्टर भारती कश्यप ने आने वाले दिनों में कई नेत्रदान शिविर के आयोजन की बात कही। पिछले 2 साल के कोरोना के काल में पूरे देश में
जो नेत्रदान है वो 63% घटा और नेत्र प्रत्यारोपण 52% घटा। ऐसे स्थिति में अगर कश्यप मेमोरियल आई बैंक में 124 नेत्र प्रत्यारोपण हुए हैं सफलतापूर्वक, वह भी अत्याधुनिक नेत्र प्रत्यारोपण की पद्धति लैमेलर केराटोप्लास्टी यानी डिसेक से और आयुष्मान भारत के गरीब मरीजों में मुफ्त, तो इसके लिए आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब और कश्यप मेमोरियल आई बैंक इसको अपनी बड़ी उपलब्धि मानता है। और हमारे पास जो कॉर्निया जनित दृष्टिहीन है उसकी बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है। हमारे पास डॉक्टर निधि गटकर कश्यप की टीम है जो डबल एफ आर सी एस और आई सी ओ की अंतर्राष्ट्रीय सम्मानित डिग्री प्राप्त हैं। हम पिछले 2 वर्षों में डॉक्टर निधि गटकर कश्यप द्वारा जो लैमेलर केराटोप्लास्टी लगातार आयुष्मान भारत के 99% मरीजों को की जा रही है उसके लिए बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कॉर्निया की बीमारी से ग्रसित मरीज गरीब होते हैं और अगर आयुष्मान भारत द्वारा अति विशिष्ट नेत्र प्रत्यारोपण पद्धति का झारखंड में पिछले 2 वर्षों से फायदा मिल रहा है तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।